हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृति कला में। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए कुशन का एक बहुत सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूं, जो कि हम वेस्ट कपड़े से, बचे हुए कपड़े से तैयार करेंगे। यहां पे जो डिजाइन बनाने वाले हैं दोस्तों, हम ये फ्रिल वाला डिजाइन होगा, जिसके लिए मैंने इस तरीके से फ्रिल तैयार की हुई है। ये हमने फ्रिल तैयार की हुई है बहुत सुंदर सी, और ये हमारा फैब्रिक है जिसमें से हमने फ्रिल तैयार की हुई है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसमें से कटिंग करनी होती है पट्टी की, जितनी चौड़ाई की हमें फ्रिल बनानी होती है उस हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पे ये फ्रिल की चौड़ाई यहाँ पे जो रखी है, मैं आपको बता दूं, अगर हम इस फ्रिल की चौड़ाई देखेंगे तो ये हमारी तकरीबन 1.25 इंच की आएगी। तो इसका हमें तकरीबन 2.5 इंच कपड़ा कटिंग करना होगा, क्योंकि दोनों साइड से ये फोल्ड होती है। तो हम इसमें से पट्टी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये हमने 2.5 इंच की पट्टी कटिंग कर ली है। इसको जब दोनों साइड से फोल्ड करते हैं तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, जितनी हमने यहाँ पे ये फ्रिल बनाई हुई है। फिर फोल्ड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम फ्रिल तैयार करते हैं। अब फ्रिल तैयार तो हमारी हो गई है। जैसे यहाँ पे हमें 12x12 का कुशन बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फर्मा कटिंग करना होता है इस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे देखा है। ये हमारा 12x12 का है, 12 इंच चौड़ाई होगी, 12 इंच इसकी लंबाई होगी। और एक हमने मेन फैब्रिक लेना है, ऊपर की साइड रखना है इस तरीके से, और एक हमने फोम लेनी है स्पंज, जो कि सेंटर में रखते हैं, और सबसे नीचे अस्तर रखते हैं। इन तीनों पीसों को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ऊपर फर्मा रख के देखते हैं जो हमने पैटर्न कटिंग किया है। इसके चारों साइड हमारा तकरीबन 1-1 इंच का कपड़ा रहना चाहिए। नीचे के पीस के लिए भी हमने यहाँ पे सेम इसी कलर का एक पीस लिया हुआ है, ये वाला। ये हमारा लंबाई चौड़ाई में थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, एक साइड में एक्स्ट्रा इसलिए करते हैं ताकि हम इसका जो कुशन डालने के लिए मुंह बना सके, इसलिए तकरीबन 4 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी होनी चाहिए। वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्रिल से इस डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, चारों साइड हम एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों चारों साइड हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, और ये जो आप निशान देख रहे हो, ये फर्मा रखते हुए हमने इस तरीके से यहाँ पे चारों साइड निशान भी लगा लिया है। दोस्तों सिलाई पहले इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारा अस्तर नीचे की साइड जो होता है वो सेट हो जाए, और बीच में जो फोम होती है स्पंज, ये भी अच्छे से सेट हो जाए। अब जैसे हमने निशान यहाँ कंप्लीट कर लिया है, अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे फ्रिल का काम करना है। तो जो हमारे पास ये फ्रिल है, इसको बनाने का तरीका और फिर अटैच करने का तरीका, और किस तरीके से हम बहुत सुंदर सी स्टाइलिश कुशन बना सकते हैं, ये हमने अब सीखना है। तो इसके लिए हमें मशीन के ऊपर जाना है। सबसे पहले दोस्तों फ्रिल बनाना सीखते हैं। ये हमने जो कपड़ा लिया है, तकरीबन 2.5 इंच की पट्टी है, इसको इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड कर लेते हैं बारीक। एक साइड से दोस्तों हमने यहाँ पे पट्टी फोल्ड कर लिया है, जैसे आप देख पा रहे हो। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। दोनों साइड से इस तरीके से हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, तो यहाँ पे पक्की लब हो जाती है हमारी, कोई धागा अब नहीं निकलेगा। अब हमने क्या करना है, इसको सीधी साइड ऐसे रखनी है, और इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे सिलाई लगाते हैं, और यहाँ पे चुन्नटें डालनी होती है। तरीके से चुन्नटे डालते रहते हैं तो हमारी यहाँ पे बहुत सुंदर सी फ्रिल तैयार हो जाती है। तो पूरी पट्टी में हम इसी तरीके से चुन्नटे डालते हैं, तो हमारी जितनी हमें लंबाई चाहिए होती है उतनी लंबाई की हम पट्टी लेते हैं, और सेम फ्रिल बना के ऐसी तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्रिल बनाने का हमने तरीका सीख लिया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है।
चारों साइड दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। इससे हमें क्या होता है, आइडिया हो जाता है दूसरी साइड के लिए भी, हमें पता लग जाएगा कि हमारी चौड़ाई और लंबाई कितनी है, सिलाई से पता लग जाता है। अब हमें यहाँ पे फ्रिल अटैच करनी है। फ्रिल हम सीधी साइड ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा गैप रखेंगे ऐसे, जो हमारी ये सिलाई है इससे तकरीबन एक पैर का गैप रखेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने ऐसे फ्रिल को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये फ्रिल घूम जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ऐसे। इस पॉइंट पे आने के बाद हम इस फ्रिल को यहाँ पे ऐसे घुमा लेते हैं। यहां से हमने शुरुआत की है और ऐसे हमें लगाते हुए इस पॉइंट पे जाना है और यहां तक कंप्लीट करनी है। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ तक फ्रिल अटैच कर ली है। अब हमें आगे की साइड क्या करना होगा, सबसे पहले थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए फ्रिल को कट कर लेते हैं और जो नीचे वाला पीस होता है इसको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और हल्का सा यहाँ पे फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर दूसरी फ्रिल लेके आते हैं ऐसे। अब यहाँ पे इस फ्रिल को भी फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक फ्रिल की लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें दूसरी लाइन लगानी है यहाँ पे। अब दोस्तों हमने हल्का गैप रखना है यहाँ पे और निशान लगा लेना है। इस तरीके से गैप रखते हैं और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये भी हम चारों साइड कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। ये मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे चौरस एक डब्बी बना ली है। अब हमें फिर से यहाँ पे फ्रिल को अटैच करना है। यहाँ पे भी फ्रिल को हल्का सा ऐसे फोल्ड करते हैं और यहाँ पे ऐसे रखते हुए अटैच करेंगे। इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे कोने पे ऐसे घुमा लेते हैं। जैसे मैंने ये कोना बनाया है इसी तरीके से कोना बनाते हुए यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। दूसरी फ्रिल भी दोस्तों हमने यहाँ पे निशान के ऊपर अटैच कर ली है। अब हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट देखना है, जो हमारा सेंटर होता है। यहाँ से भी हमें हल्का सा एक निशान लगा लेना है ऐसे, इस तरीके से। या
नाप के भी लगा सकते हो, थोड़ा आइडिया से भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारी छोटी सी ही फ्रिल लगेगी। तो हमने यहाँ पे भी इसको ऐसे दबाते हुए यहाँ पे अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा फ्रिल कटिंग कर देते हैं और यहाँ पे भी फोल्ड करते हुए कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से हमने सेंटर में भी यहाँ पे छोटी सी एक फ्रिल तैयार कर लिया है लगाते हुए। तो यहाँ पे तीन पट्टियाँ आ जाती हैं हमारी फ्रिल की। तो डिजाइन दोस्तों हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमें नीचे का जो पीस है वो तैयार करना है। दोस्तों नीचे का पीस तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा लेना होता है कपड़ा, तकरीबन 4 से 5 इंच एक साइड में होना चाहिए। दूसरी साइड तो हमारा बराबर भी चल जाता है, लेकिन एक साइड में हमें तकरीबन 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब हम इस कपड़े को दोनों साइड से यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। एक साइड से फोल्ड कर लिया है तो यहाँ पे दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको सेंटर से कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये हमने कटिंग भी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक निशान लगाना है तकरीबन 2 इंच का 2 इंच का, 2.5 इंच का या 3 इंच का भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने लगाया है 3 इंच का। ये निशान इस साइड लगाना है जिस साइड से हमने फोल्ड किया है, इस साइड भी 3 इंच का लगाएंगे। अब हम इन दोनों निशानों पे दूसरा फोल्ड वाला हिस्सा ऐसे मिला लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और ऊपर से कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई दोस्तों हमें खोलनी होती है, इसलिए कच्ची लगानी है। ऐसे हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम जो हमने पीस ये तैयार किया है फ्रिल वाला, यहाँ पे ऐसे रखते हैं इसको, इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे सिलाई के ऊपर, जो हमने यहाँ पे निशान के ऊपर सिलाई लगाई थी, इस सिलाई के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी होती है।
चारों साइड की दोस्तों हमने सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है इसको काट देते हैं ऐसे, सिर्फ हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है। इस तरीके से हमने मार्जिन कटिंग कर दिया है जो एक्स्ट्रा होता है। अब एक साइड हमारी यहाँ पे ऐसे नजर आएगी। अब जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी ये हम खोल देते हैं, ऐसे खोल देंगे। खोलने के बाद हमारा यहाँ पे ये हिस्सा ऐसे खुल जाएगा। अब जो हमने हिस्सा ओपन किया है इसमें से यहाँ पे इस तरीके से इसकी नोक निकालते हुए पलट लेते हैं, चारों कोने सफाई के साथ निकाल लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे पलटते हुए इसको सीधा कर लिया है। बहुत प्यारी सी हमने यहाँ पे शेप बनाई है और सिंपल कपड़े से फ्रिल का डिजाइन बनाते हुए आज आपको दिखाया है। अब हम इसमें अंदर की साइड यहाँ पे कुशन डाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से दोस्तों अंदर की साइड हमने कुशन डाल लिया है और कुशन डालने के बाद हमारी शेप कुछ इस तरीके से आएगी। बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे शेप हमने तैयार करके आज आपको दिखाई है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।